बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्द अपने फार्म पर नई मुर्गी लेकर आ रहे हैं और फाइनली मैं आज फार्म पर पहुंच गया हूं। यहां पर बहुत ज़्यादा मुर्गी पड़ी है तो मुर्गी भी आपको चेक करवाते हैं। पहले आप देख सकते हैं मेरे बाहर फार्म की गाड़ी आई खड़ी है, तो अब यहाँ से हम मुर्गी लोड करेंगे और रात को उस गाड़ी में के अंदर मुर्गी सफ़र करेगी और कल सुबह जाकर ये मुर्गी मेरे फार्म पर पहुंचेगी। अभी हम फार्म से तकरीबन 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो यहाँ से हमने मुर्गी लोड करनी है और लोड करके अपने फार्म पर लेकर जानी है। तो मुर्गी आपको चेक करवाते हैं, ये मुर्गी चेक कर लें, इधर मुर्गी पड़ी है, ठीक है। इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा मुर्गी पड़ी है, इसके बाद उस फार्म के अंदर भी मुर्गी पड़ी है, उधर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो पहले आप ये मुर्गी चेक कर लें, ये मुर्गी छोटी है लेकिन ये मुर्गी हम लोड नहीं कर रहे, हमने बड़ी मुर्गी लोड करनी है जो कि उस फार्म के अंदर पड़ी है, तो उधर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये मुर्गी चेक करें जो हमने लोड करनी है, इसका वज़न 700 से ऊपर है, 700 ग्राम, 750 ग्राम, 800 ग्राम तक इसके अंदर मुर्गी है और हमारी कोशिश है कि हम बड़ी से बड़ी मुर्गी लोड करें जो कि जिन हमारे भाइयों के आर्डर लगे हुए हैं उनके पास जाके जल्दी से जल्दी अंडा शुरू करें। तो हमारी गाड़ी की मुर्गी की जो कैपेसिटी है वो 3000 बाल्ड है, तो हमने 3000 मुर्गी लाजमी लोड करनी है। इसके अलावा हमारे पास अभी आर्डर लगी हुए हैं मुर्गी के, तो जिनको हमने ये मुर्गी सप्लाई करनी है कल के दिन में, रात को ये मुर्गी हमारे फार्म पर पहुंचेगी और कल हमने इस मुर्गी की सप्लाई देनी है जिन हमारे भाइयों के आर्डर लगे हुए हैं। तो अगर आप भी ये मुर्गी ख़रीदना चाहते हैं, मुर्गी के बारे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुर्गी मुकम्मल वैक्सीनेटेड है। देखिए यहाँ पर तकरीबन 17 से 18 हज़ार बाल्ड मौजूद है और ऐसी फार्म पर मुर्गी को वैक्सीन करना फार्मर बहुत ज़रूरी समझता है, बल्कि पहला फ़र्ज समझता है, क्योंकि अगर एक बर्ड में भी मसला आएगा तो उसका सारा फ्लॉक जा सकता है। तो इस वजह से इन बर्ड्स को वैक्सीन लाजमी की जाती है। बर्ड की एज मैं आपको बता देता हूँ, इसकी उम्र 91 दिन आज पूरी हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं, ये मेरी गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर हमने मुर्गी लोड करनी है और इस साइड पर ये फार्म है। तो जैसे कि कल शाम में मैंने आपने वीडियो के शुरू में ही देखा, वो कल शाम की वीडियो थी जब हम फार्म पर पहुंच चुके थे, वहां से हमने मुर्गी लोड करनी थी। तो आज दूसरा दिन रात को हमारे फार्म पर मुर्गी आ चुकी है जो कि आप मेरे फार्म के अंदर देख रहे हैं, और अभी मैं आपको फार्म के अंदर भी लेकर चलता हूँ, मज़ीद आपको मुर्गी चेक करवाते हैं, मुर्गी की डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आ जाएँ आप मेरे साथ फार्म के अंदर, मैं आपको फार्म के अंदर लेकर चलता हूँ। मुर्गी चेक करें, माशाल्लाह से कलरफुल मुर्गी है और बहुत ज़्यादा मुर्गी खड़ी है। आज के दिन हमने इस फार्म के अंदर से 125 बाल्ड सेल किया है, जबकि मेरा आज मुर्गी सेल करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी वजह यह है कि मुर्गी काफ़ी सफ़र करके आई हुई थी और मैं चाहता था कि मुर्गी को ज़्यादा जो है ना वो तंग ना किया जाए, क्योंकि जब मुर्गी को हमने बीज से पकड़ना होता है तो मुर्गी काफ़ी ज़्यादा तंग होती है। तो लेकिन कस्टमर ऐसे थे कि जो बिन बताए आ गए थे और मेरी मजबूरी थी कि अब वो आ गए हैं तो उन्हें बर्ड देना है। हमने कल इंशाल्लाह दोबारा से मुर्गी की सप्लाई शुरू करनी है इसी मुर्गी से, इसी फार्म के अंदर से। तो जिन हमारे भाइयों के आर्डर लगी हुए हैं उनको हम कल की डेट के अंदर इस मुर्गी से जो है ना उनकी आर्डर की डिलीवरी देंगे, ये मुर्गी उनके फार्म पर जाएगी और उम्मीद है कि आपको ये मुर्गी पसंद आएगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ऐसी मुर्गी मिलना बहुत मुश्किल है और रेट डे बाय डे अप हो रहे हैं। तो जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि वो मुर्गी ख़रीदें तो जल्दी से अपना आर्डर बुक करवाएं। टाइटल के साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना आर्डर बुक करवा सकते हैं। मुर्गी आपको चेक करवाई जा रही है, इस मुर्गी की उम्र 91 दिन है और मुकम्मल वैक्सीनेटेड है। जैसा कि मैंने आपको फार्म पर जहाँ से मैंने मुर्गी लोड की है वहाँ पर खड़े होकर बताया है कि ये ऐसे फार्म होते हैं जहाँ पर मुर्गी को वैक्सीन करना फार्मर पहला फ़र्ज समझता है, क्योंकि अगर एक बर्ड में मसला आएगा तो उसका फलाक ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से इसको मुकम्मल वैक्सीनेशन की गई है, परेशानी की ऐसी कोई बात नहीं है। माल माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, इसकी थकावट वगैरह उतर चुकी है। आज के दिन हमने इसको मल्टी विटामिन यूज़ करवाए हैं, क्योंकि जब मुर्गी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है तो स्ट्रेस में आ जाती है, तो मल्टी विटामिन से इसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो आज के दिन हमने इसे बुखार वाली मेडिसिन और मल्टी विटामिन यूज़ करवाए हैं ताकि इसका स्ट्रेस वगैरह ख़त्म हो और बर्ड अच्छे से
हेल्दी हो जाए, ताकि आगे जिन हमारे भाइयों के पास ये मुर्गी जा रही है उनको जाके ये तंग ना करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मुर्गी पसंद आई होगी। मुर्गी पसंद आई है तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना ऑर्डर बुक करवाएं और अपनी मुर्गी ख़रीदें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।